हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू शार्क गेमिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं क्राइसिस, और इस वाली गेम को हम लोग दोनों ही एमुलेटर में टेस्ट करेंगे, मोबॉक्स और विनलेटर। तो पहले हम क्या है भाई, ये बार बार भूल जाता हूँ मैं, विनलेटर पर टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से सेटिंग्स देख लो यार, मेरी वाट लगी हुई है, सर्दी बुखार हो चुका है, आवाज़ से तो पता ही चल रहा होगा। चलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है भाई, ये मैं बनाता हूँ अपने लिए। आप लोग को पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई, मौका नहीं छोड़ूंगा बोलने का। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गेम को। दोनों ही एमुलेटर्स में गेम चल रही है, हमने टेस्ट किया है, और बस कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो, अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो तो बिन 64 वाली गेम वर्जन को खोलना, 32 वाली नहीं चल रही है। तो ये देखिए जल्दी से खोलते हैं। तो जैसे ही मैं कह रहा था कि दो गेम तो दोनों में ही बराबर ही चल रही है, उतना FPS का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों में भी अराउंड 15 FPS आ रहा है। तो ये देखिए 4-5 घंटे ले लेगा लोडिंग के लिए। जनरल सेटिंग्स, ये हमने एक डिफ़ॉल्ट सेटअप रखा है। ये देखिए भाई साहब, इसका हमें ब्लूटूथ हमको निकालना होगा। साउंड कहाँ है इसका? अचीव विद क्राई इंजन। और एक बात बता दूं, अगर ये गेम आप लोग खेलना चाहते हैं तो ये गेम आप लोग यूज़ पर इजीली खेल सकते हो, जिस पे अराउंड 20+ FPS आ रहा है लेटेस्ट वाले वर्जन पे। उसका गेम प्ले अगर देखना चाहते हो तो बताओ, कमेंट करो, तो ही वीडियो बनाएंगे, वरना एक ही कंटेंट बार बार बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए गेम बूट हो गया है। हाँ, लैंग्वेज चाइना जो भी है, रशिया वशिया इसको छोड़ दो भाई, घंटा में फ़र्क पड़ता है हमें तो गेम स्टार्ट करने से। मतलब है ये डिफ़िकल्टी है, इजी रखे स्टार्ट। पहले इस वाले को कुछ हो गया था, ये कट सीन वाला कट नहीं हो रहा था, लेकिन अब कट हो रहा है। तो हम ज़्यादा वीडियो बेकारी का नहीं बनाएंगे, कचरा कंटेंट। कई वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखे भाई, जिसमें सिर्फ सिनेमैटिक ही पूरा वीडियो बना लेते हैं, फिर गेम प्ले में क्रैश होता है और वीडियो वहीं पे समाप्त। हम लोग जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। और मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब गेम वर्क कर रही हो। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कई गेम्स की, बट वो गेम्स मैं टेस्ट करता हूँ, अगर चलती है तो ही वीडियो बनाता हूँ, नहीं चलती है तो वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग नए वीडियो पे नया कमेंट करो भाई, आप लोग ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि आप लोग कमेंट पे ही रिप्लाई दे रहे हैं तो मुझे कभी शो नहीं कर रहा है, इसके लिए भी आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई आने में देर हो रही है। तो ये हमारी वीडियो इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ाई है। चल चल जल्दी से आ भाई, वीडियो कितनी बड़ी करूं तेरे वास्ते। ये हमारा प्रेशर की बटन आ गया है, तो कोई भी बटन दबा सकते हो आप लोग। तो ये रहा हमारा स्पीवेक सिनेमैटिक, इसको भी हम कट करेंगे, इसको हम इंटर प्रेस करके शायद कट कर पाए। अरे कट हो जा, अरे बोल रहा चाइना में बोल रही है कुछ ये। अरे भाई साहब ये कैसे कट होगा? अरे यार, अरे स्किप करो कोई तो, इसको गया बढ़िया, ये भी तो स्किप हो जाना। अरे भाई साहब तुम भी कट हो लो, कट हो जा भाई। तो हम इसको हमारे तरीके से कट करेंगे। तो ये हमने फाइनली कट कर लिया है, देखो गेम दिख तो रही होगी, घंटा ना दिख रहा होगा कुछ क्योंकि गेम अंधेरे में है, और हमारा कैमरा तो आप लोग जानते ही हैं, अभी दिखेगा कुछ तो दिखेगा अभी। तो FPS देखो 10-15 से 20 के रेंज में जा रहा है। ये आई बटन प्रेस करना होगा हमें, क्योंकि नाइट विजन एक्टिवेट करने हमें नहीं करना है, वो एक्टिवेट तो हम नहीं करेंगे। जल्दी से पानी में गिर और निकल बहने के भाई। विनलेटर का वर्जन है 3.2 जो कि लेटेस्ट वाला है, पर में अब मोबॉक्स का तो पता नहीं भाई क्या ही उसमें अपडेट होता है, नॉर्मली एक ही वर्जन रहता है इसमें। चल ऊपर निकल जल्दी से। तो ये
लास्ट टाइम हमने क्राइसिस को ट्राई किया था यूजू पर, जो कि स्विच का एमुलेटर है। उसमें भी इतना स्मूथ गेम दिख नहीं रही थी और उसमें ग्राफिक ग्लिचेस भी थे। विंडोज़ के एमुलेटर में एक चीज़ मुझे अच्छी जो लगती है कि वो अगर गेम खुलती है तो उसमें कुछ ग्राफिक ग्लिचेस 99% नहीं होते हैं, वो तो रेयर देखने को मिलते हैं, तो ये बात उसमें अच्छी लगी। चल आगे चल, पानी में डूब के मर जाता क्या? ये देखिए भाई साहब, चल 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 हाँ? ये क्या था? तो गेम देखिए, मैं तो इसको खेलने लायक कह सकता हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अराउंड 20 FPS गेम उतना लैग नहीं कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खेलने को, मज़ा तो आ रहा है। टैब बटन नहीं दबाऊंगा मैं, मुझे नहीं देखना है ऑब्जेक्टिव, मुझे पता है क्या करना है, तो मैं टैब बटन क्यों दबाऊँ। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर शिफ्ट बटन रखना होता है, हम जल्दी से उसको कसमस करके आते हैं। तो ये हमने अपने शिफ्ट बटन को ला लिया है, देखो अभी तेज़ भागेंगे हम भाई साहब। ये देखो तेज़ और तेज़ और तेज़, जा दीवार में घुस जा। अरे भाई साहब कंट्रोल हमने रखा ही नहीं है, चलो बढ़िया बगैर कंट्रोल के भी ये चलेगा। स्पेस दबाना होता है, यहाँ पर एक बंदा है होगा, अभी ऊपर देखना कहाँ है, शायद आगे आगे होगा। चेक पॉइंट जब आता है गेम से वो होती है थोड़ा सा स्टक होकर गेम आगे बढ़ती है, बट क्रैश तो मुझे देखने को कभी नहीं मिला इसमें, इसकी फोड़ना होता है हमें। गया, गेम ओवर हो गई गाइस इसकी। माउस वन माउस टू, बे बचपन से गेम कर रहे हैं हमें मत सिखा भाई, माउस वन माउस टू, माउस खा खा कर और माउस से खेल के गई बड़े हुए हैं। माउस टू जूम करो, हाँ बे मालूम है, बच्चा समझ रखा है क्या? अब इन लोग को मारना काफ़ी दिक्कत होगा। ये देखिए गेम के FPS की तो माँ बहन हो गई है। अब मैं इसको प्लेबल नहीं कहूँगा भाई, माफ़ कर देना, गलती हो गई थी। तो ये आपको काफ़ी सोच समझ के गेम को खेलना होता है वहाँ पर, क्योंकि वो अलर्ट हो गए थे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे एमुलेटर की तरफ। मोबॉक्स पे एक चीज़ आपको बतानी थी भाई कि स्नैप, अरे भाई साहब बैक क्यों आ गया आप? अरे इंटर कहाँ से होता बैक का साल। ये देखिए सेटिंग्स में जाना है, स्नैपड्रैगन 845 वाले जितने भी लोग हैं, सेटिंग्स पे जाओ, कंपैटिबिलिटी में जाओ, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा DRI 3 इज़ एनेबल, तो आपको इसको डिसेबल करना है। वो कुछ इस तरीके से है कि आपको यहाँ पर आना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, बस इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखो होगा कुछ नहीं, बट यहाँ ऊपर बताएगा आपको कि ये अभी डिसेबल हो गया है, तो बस इतना ही करना है 845 वालों के लिए। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था तो उनके लिए हमने बता ही दिया ये। तो हमने एमुलेटर को शुरू कर लिया है, जल्दी से गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम इसकी सेटिंग्स आपको जल्दी से दिखा देते हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, घंटा दिख रहा है। अरे फोकस कर मादर फादर। तो देख लो भाई जितना भी दिख रहा है, फिर मैं बोल भी देता हूँ, DX वर्जन हमने DXVK सिंक 1.10.3 रखा है और मेसा 24 रखा है। तो चलिए जल्दी से गेम को शुरू करते हैं। और इस वाले एमुलेटर में एक एक दिक्कत ये होती है कि भाई रेजोल्यूशन सेट करना है इसमें काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि गेम हमारा फुल स्क्रीन या परफेक्टली साइज़ नहीं आता है इसमें। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, और इस वाले में अगर गेम खेलना है तो आपको 32 वाले वर्जन को चलाना है, क्योंकि इस वाले में 64 वर्जन काम नहीं कर रहा है। पता नहीं ये लोग की क्या ही दिक्कत है, शायद ये दोनों की कुछ राइवलरी चल रही है मोबॉक्स और विनलेटर की। उस वाले में 64 चल रहा था तो इस वाले में 32 चल रहा है। गेम को हमने बूट किया है, जब तक ये गेम बूट हो जाए हम लोग जाकर हमारे कस्टमाइजेशन क्या बोलते हैं उसको इनपुट ब्रिज को ऑन करना होगा। भाई ये एमुलेटर में मुझे एक ही चीज़ डिसअपॉइंट करती है कि ये हमें इनपुट्स के लिए यहाँ जाना होता। अरे भाई साहब रेजोल्यूशन तो सेट कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ चलिए अब देखिए बढ़िया मज़ा आएगा। ये रहा हमारा फुल स्क्रीन और ये कंट्रोल्स एनेबल, घंटा भी नहीं होंगे इसमें। अरे भाई चलिए भाई साहब, अरे चल भाई टाइम नहीं है इतना,
एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए। ये ऊपर पता नहीं X13 1 FPS क्या आई है ये, अगर किसी को पता है तो बता दो यार, मुझे तो पता नहीं। लेफ़्ट बटन, अरे माउस कहाँ चलेगा इसमें, तो देखो ये दिक्कत चल रही है, इसमें माउस दिखाई नहीं। अरे भाई साहब ये तो गजब बेइज्जती है। तो भाई ये हमारा लोडिंग हो चुका है, चलिए जल्दी से हम लोग गेम के अंदर घुसते हैं। अरे चलो भाई स्किप करिए, सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं कभी स्किप होती है, इस चीज़ कभी नहीं होती है। तो ये देखिए इसमें भी हम गेम में आ चुके हैं, इसमें भी अराउंड हमारे पास 20+ FPS आ रहा है यहाँ पर। तो आप लोग ही बताओ भाई कमेंट करके कि किस में गेम सही लग रहा है और सही चल भी रहा है। मुझे तो दोनों ही सेम लगे, ऑलमोस्ट सेम। अगर जजमेंट ही देना हो तो थोड़ा कुछ शायद विंडलेटर में बेटर लग रहा है गेम, अभी पता चल जाएगा जब नीचे उतरेगा। भाई शाओमी का फ़ोन तो मत ही लेना भाई, मैं तो कभी नहीं लूँगा यार, इतना बेकार ही का इसका कैमरा है। हाँ मैंने लो एंड डिवाइस लिया है छोटा वाला, बट बेस ही तो हमें बता देता है कि भाई कितने इनका बिल अच्छा है। अरे भाई साहब लाइक करो यार वीडियो को, आप लोग लाइक बहुत कमा रहे हैं। ये देखिए पानी के बाहर हम आ गए हैं, इसमें भी अराउंड आपको देखिए इसमें ऑलमोस्ट 20 FPS के नियर ही हम जा रहे हैं, तो उसमें भी उतना ही था, गेम में उतना डिफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा। जो हमें कैमरे को क्या हो जाता है पता नहीं, कैमरा हमारा कौन सा नशा कर लेता है। ये परफेक्टली हमारा अभी फोकस रहा है, चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चेक पॉइंट रीच, गेम स्टार्ट होगा। अब बताओ भाई साहब कि किस में गेम बढ़िया लग रहा है। क्या है भाई साहब अनलिमिटेड डाल दिया क्या इसमें? इसमें भी बढ़िया लग रहा है गेम, सेम ही चल रहा है भाई। कहाँ जा रहा है, गलत जा रहे हैं क्या हम? हाँ गलत ही जा रहे हैं, हमने कोई काम कभी सीधा किया ही नहीं है। अरे भाई साहब ये शादी बहुत दिक्कत देती है यार। चल जल्दी से चल भाई, लेफ्ट क्राउच नहीं करूँगा मैं, क्राउच लेफ्ट कंट्रोल था वैसे वो। सॉरी यार मैंने काफ़ी आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ वीडियो के बीच में। चेक पॉइंट रीच हो चुका है, अब यहाँ पर गया भाई, देखते हैं हम लोग इस वाले में स्टेल्थ मोड में जाकर ट्राई करेंगे ये लोग को मारने की। उस वाले में हमने सीना चौड़ा करके गए थे और हमारी समझ ही जा सकते हैं आप लोग। अरे भाई गोली मत चला भाई, अरे यार हमने फिर से कांड कर दिया लगता है, एक गया। हाँ भाई साहब एक चला गया, इसको तो हम आगे जाके मारेंगे साले को। अरे रुक जा, बढ़िया था भाई। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई किस में हम खेल सकते हैं गेम। तो इस वाले में उतना लैग नहीं हुआ था जब ये बंदे आए थे सामने, जहाँ पर उसमें काफ़ी लैग हुआ था आप लोग देख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि हमने कंपैरिजन बना ही दिया है। तो आप लोग जजमेंट दे दो, कमेंट्स में बता दो कौन सा बेहतर लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि मोबॉक्स पर बढ़िया चल रही है गेम, एज़ यूजल इस पर ही बढ़िया चलते हैं गेम्स। तो वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो भाई, बट कंटेंट को हमारे ज़िंदा रखने की उम्मीद देते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखो भाई लोग।